नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भाकरवाड़ी। भाकरवाड़ी गुजराती रेसिपी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए यहाँ मैंने करीब 200 ग्राम मैदा ली है और 50 ग्राम मैंने यहाँ बेसन लिया है। ये 2 छोटे चम्मच हमने तेल लिए हैं, ये नमक लिया है और ये अजवाइन ली है। तो सबसे पहले हम हमारा डो लगा कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मैदा छान कर ली है तो मैं मैदा डाल दूँगी, बेसन छान कर लिया है तो बेसन डाल दूँगी। इसमें थोड़े हाथों से इस तरह मसल कर अजवाइन डाल देंगे और नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। तो मैं 1 चम्मच यहाँ नमक डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये जो हमने तेल लिया था 2 छोटे चम्मच, वो तेल डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम पूड़ी जैसा डो लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह पूड़ी का डो लगाते हैं हम कड़क, उस तरह डो लगाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने हमारा डो लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल कड़क डो है हमारा। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा डालकर डो लगाइए। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक हम हमारा मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने फ्राई पैन रख दिया है, उसमें 1 छोटी चम्मच हमने तेल डाल दिया है। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो मैं 1/2 छोटी चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी। 1/2 छोटी चम्मच में इसके अंदर राई डाल दूंगी। इनको अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं इसके अंदर, यहाँ मैंने सूखा नारियल लिया है, इसके मैंने इस तरह के लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े कर लिए हैं, तो ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये मैंने रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने लिए हैं थोड़े से, वो डाल दूंगी इसके अंदर। गैस एकदम सिम कर देंगे। ये तिल लिए हैं मैंने, वो तिल डाल दूंगी। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ तिल लिए हैं और इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब मैं इनके अंदर मसाला ऐड करूँगी। तो 1/2 छोटी चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। 1 चम्मच में यहाँ धनिया पाउडर डाल दूँगी। 1 चम्मच में यहाँ सौंफ डाल दूँगी और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिए। और 1 चम्मच में यहाँ पर नमक डाल दूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। बिल्कुल सिम गैस पे हम इसे केवल 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इन्हें ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इन्हें पीस लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे पूरी तरह ठंडा होने दीजिए और फिर हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला एकदम ठंडा हो चुका है, तो मैं इसमें 1 चम्मच यहाँ मैंने चीनी ली थी वो डाल दूंगी और अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो हम इसे मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने हमारा मसाला पीसकर एकदम तैयार कर लिया है, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो हम हमारा डो चेक कर लेते हैं। डो भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, तो मैं इसे मसल कर थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ। इस तरह मसल मसल कर हम इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 नींबू का रस लिया है। नींबू का रस हम हमारी भाकरवाड़ी के लिए मसाला लगाने से पहले लगाएंगे। तो यहाँ मैं 2 लोई तोड़ लेती हूँ और इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने हमारी 2 लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसे बेल लूँगी। तो बेलने के लिए यहाँ मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं इसे बेल लूँगी। हमें इसकी पतली रोटी बेलनी है। ये देखिए, हमने हमारी पतली रोटी बनाकर
इस तरह की पतली रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब मैं इस पे नींबू का रस लगा दूंगी। इस तरह अच्छे से इस पे नींबू का रस लगा देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इस पे नींबू का रस जरूर लगाइए। ये मैंने नींबू का रस चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। और अब जो हमने यहाँ मसाला तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ मसाला लगा दिया है। अब मैं मसाले को इस तरह बेलन से दबा दूंगी। इस तरह दबा दीजिए। अब मैं इसकी किनारों पर वापस नींबू का जो हमने जूस लिया था वो लगा दूंगी। इस तरह चारों तरफ लगा देंगे। अब मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। तो फोल्ड करने के लिए हम इसे इस तरह किनारों से उठाएंगे और इस तरह दबा देंगे। दबाते हुए हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से दबाते हुए फोल्ड कीजिए। इस तरह दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमने अच्छे से दबाते हुए इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके इस तरह किनारे दबा देंगे। इस तरह किनारे दबा दीजिए दोनों तरफ से। और अब हम इसे इस तरह हाथों से दबाकर प्रेस कर लेते हैं। इस तरह दबा लेते हैं हाथों से अच्छे से। इस तरह। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर हम तेल गरम करने रख देते हैं। ये हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो जब तक हमारा तेल गरम होता है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसके किनारे हटा देते हैं। ये देखिए अब इस तरह से काट कर तैयार कर लीजिए। ये हमने काट कर तैयार कर ली है। अब हम हमारी एक एक भाकरवाड़ी उठाएंगे और इस तरह हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। इस तरह हाथों से दबा दीजिए अच्छे से ताकि इसका मसाला बाहर ना निकले। और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह दबा दबा के रखते जाएंगे। देखिए मैंने इन्हें हाथों से अच्छे से प्रेस कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें हमारी भाकरवाड़ी डाल दूंगी। गैस मीडियम रखेंगे। एक तरफ से अच्छे से सिकने के बाद हम हमारी भाकरवाड़ी को पलटकर दूसरी तरफ से सेक लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह हाथों से दबा दबा कर डाल देते हैं। अब हम इन्हें चारों तरफ से इस तरह पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गैस एकदम मीडियम रखेंगे। ये देखिए हमारी भाकरवाड़ी अच्छे से सिक चुकी है। ये देखिए तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये देखिए हमने हमारी भाकरवाड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।